अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम प्रकार की मदद से दायरा बनाना सीखेंगे। आपकी कंपास बॉक्स में इस तरीके से एक आला होगा, इसे प्रकार कहते हैं। इसमें यहाँ पर एक धाती नोक होती है और यहाँ पर इस तरीके से खाली जगह होती है, इसमें हमें पेंसिल लगानी होती है। देखो बच्चों, इस तरीके से हमें पेंसिल लगाना है और इस बात का ख्याल रखना है कि प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक एक ही सीध में हो, और यहां से हमें इसे टाइट कर देना है। यहां पर हमने ये इस प्रकार में हमने देखो पेंसिल को किस तरह से लगाया यहां पर। अब हम प्रकार की मदद से एक दायरा बनाएंगे। यहां पर हम दायरा किस तरह बनाना है, एक कागज पर हम पहले प्रकार की नोक को रखेंगे इस तरह से, और पेंसिल वाले तरफ से हम क्या करेंगे, ऐसा घुमाएंगे। ये हमारा दायरा बन गया। अब यहां पर हमने जो अभी ये दायरा बनाए, जहां पर हमारी प्रकार की नोक थी, ये दायरे का मरकज है। यहां पर मैं पेंसिल से इस तरीके से एक नुक्ता लगा रही और इस मरकज को मैं नाम लिखती हूं सी। सी दायरे का मरकज है। आप प्रकार की मदद से अलग अलग साइज के अलग अलग दायरे बनाने की बार बार मश्क करो तो आपको सही से दायरा बनाने आएगा। इस तरीके से हम सिर्फ क्या करना है, हमें पेंसिल को घुमाना है। एक मखसूस नाप दिया हुआ है और उस नाप के निस्फ कुतर का हमें क्या करना है, दायरा बनाना है। अब किस तरह से हम दायरा बनाएंगे, यानी सेंटीमीटर दिया रहेगा और दायरा बनाना है, जिसमें हमें पट्टी पर 3 सेंटीमीटर का दायरा बनाना है। तो यहाँ पर हम पट्टी पर सेंटीमीटर के निशान देखेंगे, जिसमें हम इस तरीके से प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच में 3 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। देखो कुछ इस तरीके से प्रकार की नोक और पट्टी पर हमने 3 सेंटीमीटर का फासला लिया। अब हम इस 3 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार की नोक को कागज के ऊपर इस तरीके से दबाकर पकड़ेंगे और पेंसिल की मदद से हम क्या करेंगे, अब ये हमारा दायरा बनाएंगे। ये क्या हुआ हमारा 3 सेंटीमीटर का दायरा, जिसमें हम मरकज को नाम दिए ओ, और ये यहां पर निस्फ कुतर भी हमें इसे बनाना है। ये कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर। ये दायरा कितने सेंटीमीटर का बना, 3 सेंटीमीटर। मश्क नंबर 28 में पहला सवाल हमें हल करना है। देखो किताब में मश्क नंबर 28 पहला सवाल, जेल में दिए हुए निस्फ कुतर के दायरे खींचिए। दायरा बनाना है, जिसमें पहला सवाल है 2 सेंटीमीटर का दायरा बनाना। अब 2 सेंटीमीटर किस तरह से लेंगे हम, देखो पट्टी रखेंगे हमारी ऐसी, और प्रकार की नोक पट्टी पर रखना है सिफर पर, और यहां पर हमने देखो कितना फासला लिए, 2 सेंटीमीटर। अब हम मश्क नंबर 28 का पहले सवाल में 2 सेंटीमीटर ने प्रकार में 2 सेंटीमीटर का फासला लिए, प्रकार की नोक को एक तरफ इस तरीके से रखे, और अब हम ये हमारी प्रकार की मदद से हमारी सिर्फ हम पेंसिल वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप अपनी बयास को घुमा के भी आप बना सकते हो। इस तरीके से हमारा 2 सेंटीमीटर का दायरा बना। इसमें हम मरकज से कहीं पर भी हम निशान लगाएंगे। ये हमारा हुआ 2 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का दायरा। सवाल नंबर 2 में हमें 4 सेंटीमीटर का दायरा बनाना है। अब 4 सेंटीमीटर देखो, प्रकार की नोक मैंने यहाँ पर 4 पे रखी और यहाँ सिफर के निशान पे, यहाँ हम इस तरीके से रखेंगे, देखो सिफर, और ये 4 सेंटीमीटर का दायरा। अब हम प्रकार की नोक इस तरीके से कहीं पर भी एक जगह रखकर क्या करना है, हमें बहुत ही आसानी से हम
प्रकार को क्या करेंगे, घुमाएंगे, लेकिन प्रकार की नोक वाला हिस्से को हम उठाएंगे नहीं। अब ये हमारा 4 सेंटीमीटर का दायरा बन गया। इसमें हम निस्प कुतर को भी हम दिखाएंगे, कितने सेंटीमीटर निस्प कुतर है, ये 4 सेंटीमीटर। ये सवाल है इसमें 3 सेंटीमीटर का। अभी अभी हमने सीखते टाइम पे 3 सेंटीमीटर का बनाए थे, फिर वापस से दोबारा हम इसके अंदर पैमाइश लेंगे, कितनी, 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर मैंने पट्टी की मदद से 3 सेंटीमीटर का फासला ली। यहाँ पर हम प्रकार को एक जगह पर रखेंगे और हम पेंसिल वाले हिस्से को फिराते जाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखेंगे हम कि पेंसिल वाला हिस्सा और प्रकार की नोक अपनी जगह से हटनी नहीं चाहिए। ये हमने 3 सेंटीमीटर का दायरा बनाए और उसके हम निस्प कुतर को अब हम दिखा रहे हैं, यानी इसकी पैमाइश कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 2 है, किसी भी निस्प कुतर का एक दायरा खींचिए। इस दायरे का एक कुतर, एक निस्प कुतर और एक वितर बनाइए। अब इसमें हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। प्रकार में 4 सेंटीमीटर का फासला ले रही, किसी भी निस्प कुतर का आप कितना भी ले सकते हो, 4 का 5 का 3 का। और अब यहाँ पर मैं प्रकार की नोक रख कर क्या कर रही हूँ, मैं एक दायरा बना रही हूँ। प्रकार की नोक अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ पेंसिल वाला हिस्सा हम हिला के हमने एक दायरा बनाया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसमें हमें, ये हमारा सवाल नंबर 2 है, एक कुतर बताना है। देखो यहाँ पर अब मैं निस्फ कुतर से बिल्कुल मरकज से गुजरता हुआ, इसके पहले हमने पढ़े, मरकज से गुजरता हुआ जो वितर होता है वो दायरे का कुतर कहलाता है। यहाँ पर मैं इसको नाम दी ओ, यहाँ इस नुक्ते को नाम दे रही हूँ मैं एम, इस नुक्ते को नाम दे रही मैं एन। यहाँ पर हमारा कुतर क्या है, देखो यहाँ पर कुतर हुआ एम एन, और निस्फ कुतर क्या है यहाँ पर ओ एन। यहाँ पर और एक निस्फ कुतर होता है ओ एम, दो निस्फ कुतर मिलके एक कुतर बनता है। अब इस पर एक वितर बनाना है। अब दायरे के दो नुक्तों को मिलाने वाला हम, किसी भी दो नुक्तों को मिलाने वाला हम एक खत खींचेंगे जो दायरे का क्या होगा, वितर होगा। यहाँ पर मैंने दो नुक्ते ली, इन दो नुक्तों को नाम मैं दे रही हूँ पी क्यू, यानी इस दायरे पर हमने जो वितर बनाए वो कौन सा है, पी क्यू। समझ में आया, यानी हमने सवाल नंबर 2, मश्क नंबर 28 का सवाल नंबर 2 हल किए। इस तरीके से आपको अपनी बयाज में बनाना है।